सोमारी जो जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, तीन सोमारी के बाद ये चौथी सोमारी थी, जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठी चार्ज किया इसके बाद। ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक ब्लॉक पे आपसे बात। अधिकारिक ब्लॉक में डीएमएसपी आए थे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फर्दर क्या डीएमएसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है ये विजिट कर रहे हैं सर। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी पड़ी है? अभी हमारे पास 7 है। जो रेलिंग था ऊपर गया वो टूट गया, जिसमें करीब बहुत से लोगों की जान भी गई है। करीब यहाँ जहानाबाद का पोस्टमार्टम हो से यहाँ पे अभी कुछ लोग आए हैं, बाकी मखदुमपुर में है और लोगों को अभी तलाश जारी है। मृतकों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी तक करीब यहाँ पे भी 10-12 है अभी मखदुमपुर में और है और गया भी गया है। थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही से भी सब होता है। प्रशासन की लापरवाही तो से मानते हैं, घटना का क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता। वो घटना मारपीट की वजह से? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है, हम लोग एकदम सामने ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है जी। हमको भी हम कितने आदमी लगे हुए थे, हम लास्ट पसंद को घींच के निकाला है ना, तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। अच्छा, जी मौत कितने लोग? मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मनोज। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ, हमको भी सब चोट है ना भैया, देखिए ना सब कटा फटा है सब। घर आपका कहाँ है? जी हमारा 7वीं घर है।